हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश वीएड के जो एडमिशन है वो यहाँ पर एडमिशन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और यहाँ पर अभी तक 3000 सीट्स खाली रह गई हैं। इसके साथ साथ जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, जिसमें लगभग 21,000 सीटें बढ़ना है, उसके बारे में अभी भी यहाँ पर स्थिति साफ नहीं हो पा रही है कि ये जो एडमिशन प्रक्रिया है गरीब सवर्णों के एडमिशन के लिए ये कब से स्टार्ट होगी। अभी तक शासन की तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है कि एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे। बट जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, गरीब बीएड गरीब सवर्णों के लिए लेट हो सकता है शैक्षणिक सन। जी हाँ दोस्तों, बीएड में गरीब सवर्णों के आरक्षण को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। शासन ने इसे लागू करने की अनुमति दे दी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इसे लागू करने की अनुमति मिल चुकी है, लेकिन एडमिशन के लिए तिथि आगे नहीं बढ़ाई गई है। यानी कि जो एडमिशन की डेट है वो 15 जुलाई निर्धारित की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, 15 जुलाई तक सभी एडमिशन होना थे। वट रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से इस एडमिशन की डेट को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसे अभी तक शासन की तरफ से कोई भी स्पष्ट निर्देश नहीं मिला है। दोस्तों, यहाँ पर क्या है पूरी खबर, इस बारे में जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपको एकदम सही सटीक तरह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जो स्टूडेंट अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएँ, ताकि यूपी बीएड से जुड़ी जो भी जानकारी हो आपको समय समय पर मिलती जाए। कहा जा रहा है कि अगर इनकी एडमिशन प्रक्रिया समय से नहीं निपटी तो इसका सन भी समय से पूरा नहीं हो पाएगा। बीएड में गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का आदेश देरी से मिलने के चलते इसे लागू नहीं किया जा सका है। इसकी प्रवेश प्रक्रिया 15 जुलाई को पूरी हो चुकी है, क्योंकि शासन के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय को इसे अनिवार्य रूप से लागू करना है, लेकिन प्रवेश की तिथि निकलने के चलते विश्वविद्यालय प्रशासन असमंजस की स्थिति में है। ऐसे में एडमिशन तिथि आगे बढ़ाने के लिए शासन की अनुमति जरूरी है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन 3 दिन पहले शासन को पत्र लिख चुका है, मगर अब तक कोई आदेश नहीं मिला है। जैसे ही यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, आपको हमारे चैनल पर इन्फॉर्म किया जाएगा। तो जो स्टूडेंट अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्रदेश के बीएड कॉलेजों में बाहर भर गई सब सीटें। जी हाँ दोस्तों, बीएड में प्रवेश की चुनौती से जूझ रहे कॉलेजों को अब इस आपकी संजीवनी मिली है। अरसे बाद प्रदेश के सभी कॉलेजों में बाहर चाहिए, इसलिए क्योंकि 2.13 लाख सीटों के सापेक्ष आपके रिकॉर्ड 2.10 लाख प्रवेश हुए हैं। महज 3000 रिक्त सीटें बची हैं, जबकि पिछले कुछ सालों से बीएड की आधी सीटें खाली रह जाती थी। बट इस बार इतनी ज़्यादा सीट भरने से कॉलेज वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजों को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब बीएड में सीधे प्रवेश प्रक्रिया भी समाप्त हो चुकी है, मगर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित 10% सीटों पर प्रवेश को लेकर संशय बना हुआ है। जैसे ही यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए कोई न्यूज़ आती है, मैं आपको पूरी न्यूज़ बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।